सो यार, मैं अपने डिनर के लिए बना रही थी आज कॉर्न का सूप। अभी मेरे डिनर में सूप भी उन्होंने दिया है। हाँ, एंड मुझे सूप इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैंने ये बोल के उनको लिया था। वैसे शाम को मेरे फ्रूट्स भी है, तो आप लोग जो डिनर पूछते रहते हो ना, तो मैं आपको व्लॉग्स में बताती हूँ ऑप्शंस, जैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस देते हैं। सो आज ये वाला सूप बनाया है, रोज़ बदल बदल के सूप ले सकती हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। सो अभी होली नाइट पे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से हम जा रहे हैं, कल अष्टमी है तो मैं कल कन्याओं को जुमा दूंगी, तो उनके लिए मैं कुछ लेने जा रही हूँ। और अभी कुलदीप थोड़ा सा बिजी चल रहा है, तो अभी इसी टाइम फ्री होते हैं नाइट में, तो इसलिए मुझे अभी लेके जा रहा है। चिया को मैंने सोचा था घर छोड़े होंगे, बट इसने मुझे देख लिया कि मम्मा बाहर जा रही है, तो रोने लग गई। आज के लिए चीज़ें समझने लगी है ना, ऐसी बाहर का चस्का लग चुका है इसको अब। तो फिर मैं इसको ले आई, ऐसे रोने सा मुंह बना दी थी। ये आ गए दोनों बाप बेटी। शुक्र ले लो क्या नाइट में उसको ऐसे सुनाते? अरे बच्चों को सुनाते हैं, पागल हो यार। सामान ले रहे थे जल्दी। इससे बढ़िया तो सेलिब्रेशन के डब्बे ही ले आते यार। क्यों? ये ऐसे ले लो, है ना? सेम ले दो फिर। सेम तो नहीं, अलग अलग मिलेंगे। सेम कैसे मिलेंगे सारे पीस? अलग अलग दे देंगे ना। है ना? अच्छा अच्छा है। तो गाइज, मैंने ना ये ले लिए क्योंकि ये सही भी रहेंगे। अब ये चीज़ तो पता नहीं यूज़ करे ना करे, बट बच्चों के लिए तो 10 पीस मैंने ये लिए हैं। डाल दो भैया। पापा हमको एक चक्कर निकलवा लो, लंबा वाला लो, गोदी ले लो। और ये कल के लिए मैंने चने है ना भिगो दिए थे, क्योंकि कल नवरात्रों को अष्टमी है तो कन्या पूजन करना है, तो चने बनते ही हैं। और ये सुबह उठ के मैंने किया अपना वेट चेक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है अष्टमी, मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ। अभी तो 5:30 बज रहा है, क्योंकि मैं फ्रेश टम वगैरह सब हुई और मैं जल्दी इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे ना घर में झाड़ू पोछे वगैरह ये सब भी करना है, फिर खाना वाना बनाने लगूंगी, चू उठ जाएगी तो फिर चीज़ें नहीं बन पाएंगी। इसलिए अब मैं फटाफट से जाके पहले झाड़ू में उठती लगाई थी सबसे पहले, अब मैं फटाफट से पोछा लगाने जा रही हूँ। इसको मैं गीजर मैंने चालू कर दिया है, आते नहाऊंगी देन किचन में लग जाऊंगी, तो कुछ ऐसा रूटीन होने वाला है। और अब आके नींद आ रही इतनी बुरी वाली। सो गाइज, बस मैंने क्लीनिंग वगैरह करके और फटाफट से नहा ली थी, सूप वगैरह मैंने डाल लिया है। अब फटाफट से नीचे जाएंगे, खाने में लगेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और जल्दी जल्दी से मुझे चने बनाने हैं, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, हलवा और हलवा तो है ही, खीर का भी सोच रही हूँ। तो देखते हैं क्या क्या बना लेती हूँ कितनी सी देर में। तो लेट्स। और ये दोनों सो रहे हैं, कोई तुम कब से उठा रही, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, पर उठने का नाम नहीं है। कि भाई कुछ हेल्प ही हो जाएगी ना, कुछ मंगवाना हो मार्केट से भी तो सब है। अब देखो कब उठते हैं। तो सबसे पहले मैं चने बॉयल होने के लिए रख रही थी, भिगोए हुए चने थे, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और पानी डाल के अच्छे से इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो मैं 4 से 5 सीटियाँ लगवाऊँगी, तो बस फटाफट फटाफट मैं इनका कोई बिना वॉइस डाले सबसे पहले अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला था। तो इसकी मैंने 5-6 सीटियाँ लगवाई। उसके बाद मैंने पहन लिया एप्रन, क्योंकि नया सूट डाला था, मेरे को पता था कुछ ना कुछ गंदा लगना ही, मैं काम करूँ ना फैलाऊँ वह तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए फिर मैंने एप्रन डाला। और इसके साथ में देखिए बस लग रही थी मैं कि बस बंद जा। चने मेरे बॉयल होने लग हो गए थे, उसके बाद मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाए थे। तेल डाला उसमें, तेल नहीं सॉरी घी डाला था, घी में मैंने जीरा डाला था, हींग डाली, उसके बाद में सारे मसाले जो मिर्च मसाले होते हैं ना उनको पानी में मिला के और वो डाल दिया था और अच्छे से पकने दिया। पकने के बाद में से मैंने वो सारा जो चने भिगोए थे उबाले थे वो इसमें डाल दिए थे। इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर डाला था और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से, मतलब जब तक पानी नहीं सूख गया तब तक बनाए थे।
उसके बाद में मैंने बनाने स्टार्ट किए थे आलू की सब्जी। उसके लिए मैंने तेल चढ़ाया, जीरा, हींग, राई डाली और आलू बॉईल कर लिए थे। देन इसके अंदर मैंने डाली हल्दी और लाल मिर्ची। आप इस टाइम पे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो अच्छे कलर के लिए, बट मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट लाल मिर्ची डाली। देन मैंने अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया था। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फिर थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको ढक के रख देंगे ताकि जो मसाला है ना अच्छे से पक जाए। वैसे तो हमारे घर में मिर्च मस वो लहसुन प्याज खाते हैं, बट मैंने कहा इस बार कन्या वन्या जमा रहे हैं तो इसलिए मैंने फिर बिना उसका बनाया। और नवरात्र में इसी का बनता है बिना लहसुन प्याज। देन फिर जब ये मसाला पक गया तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा साबुत धनिया कूट के ये सब मैंने डाला था थोड़ा थोड़ा। फिर वापस थोड़ा सा पानी मिला के इसको और अच्छे से पकाया। सब्जी का पता तभी ज़्यादा टेस्ट अच्छे से आता है जब आप उसको पकाते बहुत अच्छे से हों। तो चने भी बहुत टेस्टी बने थे बहुत सिंपल तरीके से। इसके बाद में इसमें मैंने काली मिर्च डाली है थोड़ी सी और नमक डाल दिया था इस टाइम पे मैंने इसके अंदर, और फिर इसको वापस ढक दिया था। जब ये मसाला पक गया तो मैंने इसके अंदर बॉयल जो आलू थे उनको डालना स्टार्ट किया। और इसी टाइम पर मैं इनको तोड़ रही थी, मतलब हाथ से मैंने मैश नहीं किया था। सारे के सारे जो आलू है वो डालने के बाद में पहले एक बार अच्छे से कोटिंग कर दी थी मसाले की मैंने। उसके बाद में मैंने इसके अंदर खूब सारा पानी मिला दिया था क्योंकि मैं इसको बहुत देर पकाने वाली थी। मेरी आदत है मैं सब्जियों को बहुत देर पकाती हूँ तब तक जब तक कि वो अच्छे से घुट ना जाए, मतलब एकदम से। तो ये बिल्कुल भंडारे वाली प्रॉपर सब्जी बन के तैयार हुई थी। सो गाइस मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। मैंने एक तरफ यहाँ पर पूरा साफ वाफ करके रख दिया है। ये मैंने बनाए हैं चने, बस भगवान करे अच्छा बनाओ सब कुछ। चने हैं, ये मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज का बनाया मैंने सारा खाना। ये खीर मैंने बनाई है, साथ में हलवा है। यहाँ मैंने मम्मी के लिए गुड़िया शक्कर वाली खीर बनाई है और साथ में पूरियाँ बनानी है। क्या हुआ? कैसा लगा खाना? सो हमारी फर्स्ट चार कन्या आ चुकी है आज। एक्चुअली सब स्कूल गई हुई है, इतनी प्यारी बातें कर रही हैं मुझे, है ना, बोल रही हैं आप हमें माताजी मानते हो ना। मैंने कहा हाँ, तो आप मुझे प्लीज़ अपना घर दिखाओ पूरा। मैंने कहा ठीक है, जब आप खाना फिनिश करो तो मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ। बहुत स्वीट से, बहुत ही ज़्यादा स्वीट सारी की सारी। और ये है लवला ब्रांड के बेबी स्वेडल रैपर, 3 पीस के इसमें आता है, 100% कॉटन से बना है। आप अपने बेबी को स्वेडल करने के लिए, बर्ब दिलवाने के लिए या फिर नर्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इनका। सो ये हमारी प्यारी प्यारी सी कन्याएं हैं। व्हाट्स योर नेम? आपका आपका नाम क्या है और आपका? ओके, देखो हम लोगों ने एक शर्त लगाई है, ये खाना फिनिश करेंगे तो मैं उनको पूरा अपना होम टूर दूंगी, ठीक है ना? तो ये मेरी प्यारी प्यारी सी कन्याएं आई हैं हमारा घर देखने के लिए। ओके, सो ये रूम है भाभी का, अभी वो है नहीं घर पे। कितनी एक्साइटेड हो रही है। ओके, ये रूम देख लो एक। सो मैंने बनाया खीर है, हलवा है, पूड़िया, चने और सब्जी। लाओ, ओम नमः शिवाय। पिट्टू कैसा लगा खाना? अच्छा। पक्का? हाँ। दो पूड़ी और खानी पड़ेगी।
जो अच्छा बोल देता है ना फिर उसको खानी पड़ती है। लाओ जिया जी। अब मेरी चू की छोटी सी प्लेट लाऊंगी मैं। चलो बाके पास जाओ 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 बाके पास आ जाओ। सो यह आज मेरी चियो की प्लेट लच्चियो के बाग ला देगी चियो को मसल मसल। मैडम इज द सर्विस गुड और नॉट परफेक्ट है? हाँ बट मैम डिलीवरेबल्स ऐसे फ्री में नहीं मिलती है ठीक है ना, आपको डिलीवरेबल्स पूरे करने पड़ेंगे। आज ही डाल दोगे? सुनो मेरे भी करोगी कैसे? वैसे सुनो तुम्हें वैसे है ना मेरे चरण चरण दो दो नहीं वैसे ही बड़ी हूँ ना मैं तो चरण दो दो के पीने चाहिए मेरे तुमको किसको क्यों क्योंकि मासी बनाती चटपटा। सो पीहू आई है, पीहू खाना खा रही है, पीहू स्कूल गई हुई थी तो थोड़ा लेट आई है। किरण जी भी आए हैं, आप जल्दी आते हो मम्मा से? अच्छा अच्छा चलो पियो। सबसे टेस्टी क्या लगा चने? सो इधर है हमारी कन्या और इधर एक बड़ा कन्ना आया है। कन्या से कोई ताल्लुक नहीं है इनका दूर दूर तक, ये कन्नों वाली कैटेगरी में आने लगी है। सो अभी अभी स्कूल से आए हैं, वो आपने जीजा के ब्लॉग में देख लिया होगा, जीजा ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है और सो बस जस्ट आए थे तो मैंने कहा भाई आपका बना हुआ खाना आप लोग रात को खाना, पहले इधर आ जाओ और ये खाने का हमारे नाम नहीं ले रहा। सो गाइज रात के 11:30 बज रहे हैं और अब मैंने अपनी किचन जो है वाइंड अप करी है, बहुत आज हेक्टिक शेड्यूल हुआ है बहुत ज़्यादा। सो गाइज आज बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बुरी वाली, लिटरली 5 बजे की खड़ी हुई और 11:30 बज गए हैं, मतलब सिंगल बार बैठना किसे कहते हैं वो याद नहीं है। एंड शाम के मतलब मैं कन्या जी माँ के फ्री हुई हूँ आज 4 बजे, हाँ 4 बजे मैं फ्री हुई क्योंकि स्कूल गई हुई थी तो आते आते 4 बज गए थे। 4 बजे के बाद में फिर मैंने किचन वगैरह वाइंड अप करी, उसके बाद में जैसे ही वो बर्तन वर्तन किए एक बार के पापा आ गए, फिर पापा के लिए खाना बनाया, उसके बाद में वो थोड़ा फिर क्योंकि इतना फैल गया था पूरा घर, उसके बाद में भैया कुलदीप आ गए सबके पास से, फिर उनको खाना वाना खिलाया, फिर मम्मी को, ऐसे करके मतलब मेरे को 7:30 या 8 बजे और बीच बीच में चू को भी रखना पड़ रहा था मेरे को क्योंकि पूरे दिन से मेरे पास नहीं थी तो फिर चिड़चिड़े हो गए थे शाम को, बस अब तो चाहिए मेरे को मेरी माँ चाहिए वो हो गया था इसको। देन इसको लिया, इसको खाना वाना खिलाया, साथ में मैं मेरा भी बना रही थी और फिर उसके बाद में किचन में मैंने एक दो अलमारी भी साफ़ करी है और फिर पूरा हॉल साफ किया, सब इस चियो के टॉयज़ वगैरह मतलब पूरा हॉल किया। तो ऐसे करके यार अभी 11:30 बज रहे हो और वैसे पैरों ने जवाब दे दिया है, बहुत बुरी हालत हो गई है, चूस हो गई है और उसको चेंज वेंज करा दिया था मैंने, वो अपना सो रही है और मैं भी जब सोंगी उस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। होप सबको ब्लॉग अच्छा होगा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।